जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, वो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों, 26 नंबर का न्यूमेरिकल है दोस्तों। मैं आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। सो इन अ सिंपल मशीन एन एफर्ट ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लोड लोड ऑफ 400 न्यूटन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 50 mm, वाइल एफर्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर इज द मशीन रिवर्सिबल। मतलब मशीन रिवर्सिबल है क्या नहीं, ये पूछा है। सो गिवन लिखना पड़ता है दोस्तों, इसमें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसका बेसिक गिवन लिखना पड़ता है। सो गिवन क्या दिया हुआ है, लोड, लोड जो है पी से डिनोट करते हैं, पी को सॉरी लोड 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 जो एफर्ट है, एफर्ट सिंपल मशीन एफर्ट 10 न्यूटन है। सो पी इक्वल्स टू 10 न्यूटन, एफर्ट को पी से डिनोट करते हैं और लोड को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 400 न्यूटन। सो ये लिख लिया। सो डिस्टेंस ऑफ लोड, लोड का डिस्टेंस निकालना है अपने को, लोड का डिस्टेंस सॉरी दिया हुआ है 50 mm, और एफर्ट मूव्स कितना हो रहा है 2.5 m, तो मीटर का एमएम में करना पड़ेगा, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10^2 पावर कितना लेंगे, 10^2 पावर माइनस 3 लेंगे। सो एफिशिएंसी आप इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। सो निकालना है अपने को एफिशिएंसी निकालना है, नीटा। सो एम ए, एम ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई पी, ये फॉर्मूला है दोस्तों, एम ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई पी ये फॉर्मूला है। आप जब बेसिकली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एम ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई पी। तो डब्ल्यू की वैल्यू है 400 और पी की वैल्यू है 10, सो 40 आ गया। सो वी आर, वी आर निकालना, वी आर का फॉर्मूला है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। सो ये लिख, इसके अपॉन में ये लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आएंगी वी आर की 50। अभी ये परसेंट एफिशिएंसी कैसे निकलेंगे, एम ए अपॉन वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो जो वैल्यू से वो डालेंगे परसेंट आएगा 80%। सो परसेंट 80% देयर फॉर मशीन इज अ रिवर्सिबल। सो इजी था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ मशीन लोड ऑफ 500 न्यूटन वॉज लिफ्टेड बाई एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन एंड अनादर लोड ऑफ 750 न्यूटन वॉज लिफ्टेड टू द एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन, ऑब्टेन लॉ ऑफ मशीन। सो गिवन क्या है, दिया हुआ है डब्ल्यू टू 500 न्यूटन, उसका पी टू क्या आएगा 50 न्यूटन, और डब्ल्यू वन दिया है 750 न्यूटन, उसका पी वन आएगा 60 न्यूटन। सो फाइंड ऑप्टेन लॉ ऑफ मशीन, मशीन का लॉ निकलना है। एस पी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी, पी वन इक्वल्स टू एम डब्ल्यू वन प्लस सी। सो इसी के बेसिस पे निकलना है इसको, पी वन इक्वल्स टू एम डब्ल्यू वन प्लस सी, वैसे ही पी टू इक्वल्स टू एम डब्ल्यू टू प्लस सी। सो यहाँ पे वैल्यूज अपन डालेंगे। सो वैल्यूज डालने के बाद यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा एम की वैल्यू निकल जाएंगी दोस्तों 0.04। सो पुट द वैल्यूज एम इक्वल्स टू 0.04 इक्वेशन नंबर 1। सो ये जो इक्वेशन दिख रहा है 1 नंबर का, इसमें पुटअप करेंगे दोस्तों। सो इसमें पुटअप करने के बाद क्या आएंगी वैल्यूज, सी इक्वल्स टू 30, तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 0.04 डब्ल्यू प्लस 30 न्यूटन। सो इजी है दोस्तों, यही अपने को निकालना था। लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या आता है, पी इक्वल्स टू 0.04 डब्ल्यू प्लस 30 n, मतलब इसको ये वाले फॉर्मूले में डाला है। इजी था। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक छोटा वाला बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं। इन इनिशियल फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ अ मशीन व्हेन अनलोड इज 2 न्यूटन,
द फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ इंक्रीजेस एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1 न्यूटन एज पर 100 न्यूटन लोड लिफ्टेड, कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर अ लोड 1 किलो न्यूटन, कितना एफर्ट लग रहा है वो निकालना है दोस्तों. सो गिवन क्या दिया, इनिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 न्यूटन, ये दिया हुआ है 2 न्यूटन. सो निकालने का एफर्ट भी निकालना है. सो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस क्या रहता है, 1N/100N, 1N/100N मल्टीप्लाइड बाय 1×10^3 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन. फ्रैक्शनल का है 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1×10 किलो न्यूटन का ये जो था इसको 1×10^3 करते हैं न्यूटन में करने के लिए. सो ये हो गया, इसको सिंपलीफाई करा 10 आ गया. सो टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकालना अपने को कितना आएगा, 10+2 = 12 न्यूटन, दैट इज द एफर्ट 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन, दैट इज पी की वैल्यू क्या आएंगी 12 न्यूटन. सो इजी था. सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम और बहुत से न्यूमेरिकल्स देखेंगे दोस्तों जो कि बेस रहेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिस पे. सो आज के लिए बस इतना ही.